दोस्तों, मैं आज Asus ZenFone Max M2 की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। ये फ़ोन आज ही मैं Flipkart से परचेस किया है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, Flipkart के पैकिंग के साथ आया है, तो पहले हम इस रैपर से फ़ोन को निकाल लेते हैं। ये क्या मिला? गूगल डो की तरफ से मिला। तो चलिए फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। फ़ोन को देखिए, फर्स्ट में लिखा है Asus वी लव फोटो। Asus सब फोन में ही ये लिखते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या दिया। एक सिम इजेक्टर टूल और IMI स्टिकर और एक वारंटी कार्ड, वारंटी इंफॉर्मेशन और एक यूज़र गाइड और एक बेसिक सा केस। इधर है हमारा ZenFone Max, इसको हम साइड में रखते हैं। पहले देखते हैं एक्सरसाइज क्या क्या दिया है। सर, एक नॉर्मल डेटा केबल दिया है, USB और चार्जर की नॉर्मल 10 वाट की चार्जर मिलता है इसके साथ। इसका आउटपुट देखे तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का आउटपुट है। फास्ट चार्जर तो नहीं दिया है, पर चलिए इस प्राइस सेगमेंट में ठीक ही है। दोस्तों, मैंने पहले से ही फ़ोन को बूट अप कर लिया था, अब फिर से इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। देखिए, फ़ोन ऑन हो गया है। तो बेसिक सा पैटर्न है हमारा। इसको मैं वीडियो में देख के बन रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। देखिए, एंड्रॉइड स्टार्ट हो रहा है। देखिए साइड में क्या क्या मिलता है। इधर है तो आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन, पावर अनलॉक, यहाँ पे सेकेंडरी माइक, 3.5 वाला हेडफोन जैक। इधर है स्पीकर और चार्जिंग पोर्ट और दूसरा स्पीकर। और इधर है सिम ट्रे। Asus यहाँ पे 12 वोल्ट सपोर्ट के साथ मेमोरी कार्ड भी लगाने का ऑप्शन दिया है। 3 ट्रिपल स्लॉट फ़ोन है यह, पहले से सेट कर रखा इसमें सब। ये फ़ोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, बड़ा अच्छा फ़ोन है इस प्राइस में। ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखिए इस फोन की कैमरा ठीक ठाक है, उतना तो अच्छा नहीं है, पर इस प्राइस में ठीक ठाक है। इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल कैमरा, 13+2 मेगापिक्सल का फ्रंट में है, 8 मेगापिक्सल का विथ फ्लैश और 3 GB की रैम है, 32 GB की मेमोरी है इंटरनल। इसको आप 2 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं।
स्नैपड्रैगन 632 के साथ आता है, वर्ल्ड का फास्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है इस फ़ोन में। फ़ोन तो बहुत बढ़िया है, कोई लैग नहीं। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। चलिए, बाय।